है गाइस, वेलकम टू चैनल। मैं प्रशांत सिंह और आप देख रहे हैं टेक ए टू जेड। और आज मैं रिव्यू करूंगा इन बहुत ही पॉपुलर ईयरफोन्स का, जो कि है JBL C100 SI ईयरफोन्स। और ये ऑनलाइन अगर आप देखेंगे बहुत ही पॉपुलर ईयरफोन्स है। इसे मैंने करीब 1.5 साल पहले खरीदा था अमेजोन से 549 रुपये में एक सेल में। अभी तो ये नॉर्मल प्राइस ही इसकी 600 रुपये करीब हो गई, लेकिन उस समय ये करीब 750 रुपये में नॉर्मली बिकता था इसे, और सेल में ये 550 मिला था, तो काफ़ी छूट मिली 200 रुपये करीब। तो पहले देखते हैं आपको बॉक्स में क्या मिलता है। तो बॉक्स में आपको मिलेगा मिलेंगे ईयरफोन्स और ये दो एक्स्ट्रा सेट ऑफ ईयर टिप्स आपको मिलेंगे, दो सेट, और अलग अलग साइजेज हैं जो इसमें लगी हुई है। और ये दोनों जो हैं सब अलग अलग तीनों साइज है। और इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिलेंगे। तो पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो जब मैंने इसे पहली बार हाथ में लिया तो काफ़ी इसकी बिल्ड क्वालिटी, मतलब एक ही समय काफ़ी अच्छी भी लगी और फिर लगा कि कमज़ोर भी है। बाद मैंने फिगर आउट किया कि जो मटेरियल यूज किया गया है, रबर प्लास्टिक वगैरह इसको बनाने में, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन जितना यूज किया जाना चाहिए जितनी मात्रा में उतना नहीं यूज किया गया, इसी वजह से ये कमज़ोर फील होता है। इसके अलावा अगर आप ईयरबड्स देखेंगे तो शाइनी प्लास्टिक, काफ़ी टफ प्लास्टिक है इससे बना हुआ है ये। और अभी इसकी प्रिंटिंग वगैरह इतने दिन हो गए, बिल्कुल छूटी उटी नहीं है। JBL प्रिंटिंग ब्रांडिंग सब वैसे ही है। इसके अलावा जो इसके वायर की स्लीव है वो रबर की है, कोई टेंगल फ्री या फ्लैट वायर उस तरह कुछ भी नहीं है। और इसकी लंबाई जो है 1.2 मीटर है वायर की, और 3.5 mm जैक जो आप देखेंगे तो ये सीधे, मतलब सीधा वाला जैक है, वो टेढ़ा वाला जो 90 डिग्री एंगल मुड़ा होता है जैक, उस टाइप का नहीं। हालांकि वो जैक अच्छा होता है ज़्यादा, ये भी बुरा नहीं होता, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके अलावा ये गोल्ड प्लेटेड भी है, और अभी गोल्ड प्लेटिंग काफ़ी हद तक छूट भी गई है 1-1.5 साल के बाद, जो कि इसका मतलब बहुत अच्छी गोल्ड प्लेटिंग नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा अच्छी गोल्ड प्लेटिंग जो होती है वो जल्दी छूटती नहीं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रोफोन मॉड्यूल ये राइट साइड के वायर पे लगा हुआ है, जो राइट ईयरबड्स हैं इसके वायर पे लगा हुआ है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है। जब आप इसे पहनते हैं तो ये आपके बिल्कुल मुँह के पास लटकता रहता है, तो इससे साउंड ये ज़्यादा क्लियर पिकअप करता है। और इसके अलावा अगर आप पता करना चाहते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड कौन सी है, हालांकि मैं जानता हूं किसी ने पूछा नहीं इसे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं ये अंदर की तरफ इस पे लिखा हुआ है राइट और लेफ्ट साइड, और इसे देखना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बाहर की साइड नहीं लिखा हुआ है और अलग कलर में भी नहीं लिखा हुआ है, जो प्लास्टिक है उसी में कार्व किया हुआ है, तो इसे देखना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा माइक्रोफोन मॉड्यूल पे आपको एक सिंगल बटन मिलेगी जिससे आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिक को जो है प्ले या पॉज कर सकते हैं, चला सकते हैं या रोक सकते हैं। और अभी इतने दिन हो गए 1.5 साल, अभी तक जो है ये लूज़ भी नहीं हुई बटन, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। इसके अलावा इसके बिल्ड के बारे में कुछ चीज़ें काफ़ी बुरी भी हैं, जो कि मैं अभी बाद में लास्ट में आपको बताऊंगा वीडियो में, क्योंकि पहले मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं आपको। तो पहले फंक्शन के बारे में इसके बात करते हैं। और कुछ लोग पता नहीं क्यों, लगभग हर हेडफोन पे, हर ईयरफोन पे आप देखेंगे कुछ लोग ज़रूर उसमें पूछते हैं जो क्वेश्चंस वगैरह में, कि क्या ये इस ब्रांड के साथ काम करेगा, इस स्मार्टफोन के साथ काम करेगा। और पता नहीं, मतलब मुझे कभी समझ में आया, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब सस्ते सस्ता और महंगे से महंगा जो वायर्ड ईयरफोन्स बेसिकली होते हैं, वो अगर आपके स्मार्टफोन में 3.5 mm जैक लगाने के लिए है, मतलब होल बना हुआ, तो वो काम करते ही करते हैं। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने कई ब्रांड्स के फ़ोन्स भी यूज़ किए हैं, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कंपैटिबिलिटी इश्यू कोई हो। और इसे मैंने रेडमी के साथ यूज़ किया, रेडमी फ़ोन के साथ, मोटो के साथ यूज़ किया, सैमसंग के साथ यूज़ किया, असूस के साथ यूज़ किया, तो कोई कंपैटिबिलिटी इश्यू उसमें नहीं है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया, बटन जो इसकी है कभी लूज़ नहीं हुई, बिल्कुल मतलब 1-1.5 साल हुए, परफेक्टली काम करती है, मतलब कॉल एंड रिसीव और म्यूजिक प्ले पॉज के लिए। और इसके अलावा माइक्रोफोन क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही क्रिस्प साउंड जाता है कॉल करने पे, और जो अब काफ़ी ज़्यादा नॉइस भी ये कैंसिल करता है, अगल बगल की जो नॉइस है वो दूसरी तरफ नहीं जाती, और कॉल्स करने के लिए नॉइसी कंडीशन कॉल करने के लिए काफ़ी अच्छा ये माइक है। लेकिन फिर ये कॉलिंग के लिए बना हुआ है माइक, अगर आप इसे ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उतना अच्छा नहीं है। अगर आप साउंड की बात अब करेंगे कि साउंड क्वालिटी इसकी कैसी आती है, तो एक शब्द में अगर कहूँगा तो फ्लैट साउंड आता है इसमें, और बुरे वे में नहीं है, इसलिए इस वे में नहीं कि ये बुरी बात है फ्लैट साउंड आना, चूंकि इसमें एलिवेटेड बेस लेवल या ट्रेबल लेवल, मतलब एलिवेट नहीं किया गया है, तो इस वजह से वोकल्स और हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो काफ़ी क्लीन आती हैं इसमें। और अगर आप इसे
दूसरे शब्दों में कहना चाहेंगे काफी बैलेंस्ड साउंड इसका है, लेकिन समस्या यह है कि इस रेंज में जितने लोग जो बजट रेंज में खरीदते हैं हेडफोन्स या ईयरफोन्स 500 या 1000 में, उन्हें बेस चाहिए, और इसीलिए ज़्यादातर हेडफोन्स जो हैं वो यही एडवर्टाइज भी करते हैं हेडफोन्स ईयरफोन्स की, बेस काफ़ी अच्छा है इस ईयरफोन का, आप खरीदिए काफ़ी ज़्यादा बेस मिलेगा, और होते भी उसमें हैं, लेकिन इस वजह से उनकी हाई फ्रिक्वेंसीज और वोकल्स जो है काफ़ी मडी हो जाते हैं और उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, लेकिन लोग केयर नहीं करते उसके लिए। जो लोग इस रेंज में ख़रीदते हैं हेडफोन, उन्हें बेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन अगर आप इस तरह का म्यूजिक सुनते हैं जिसमें वोकल्स मैटर करते हैं, या इंस्ट्रूमेंट्स आपको क्लियर सुनना है, बेसिकली वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स दोनों आपको क्लियर सुनने हैं, या क्लासिकल म्यूज़िक वगैरह हुआ तो, और आपको आप सस्ते बजट में खोज रहे हैं कोई ईयरफोन, तो ये आपके लिए परफेक्ट ईयरफोन है। और इसके अलावा अगर आप स्मॉल टाइम ऑडियो वर्क करते हैं, ऑडियो एडिटिंग वगैरह का, या वीडियो एडिटिंग के लिए भी अगर आप ऑडियो एडिट करते हैं, तो उसके लिए आपको मॉनिटर करने के लिए ऐसे ईयरफोन्स या हेडफोन्स चाहिए जो फ्लैट आउटपुट देते हों, बैलेंस साउंड देते हों। और अगर आपके पास खर्च करने के लिए 600 रुपये हैं तो आप इन ईयरफोन्स को ले सकते हैं, ये परफेक्ट हैं उसके लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो उन्हें ये सब नहीं चाहिए, तो आपके लिए ये नहीं है। ओके, अब जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में कुछ चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। करीब 14 महीने जब इसे मैंने यूज कर लिया था, वारंटी इसकी 12 महीने की थी, तो वारंटी 2 महीने ज़्यादा जब हो गया, तो ये दाहिने साइड वाला ईयरबड और ये जो माइक कंट्रोल सब कुछ ठीक था, सब कुछ काम कर रहा था, लेकिन ये लेफ़्ट ईयरबड में से साउंड आना बिल्कुल बंद हो गया एक दिन अचानक। और इसके अलावा आज तक जो है ये काम कर रहा है, कई महीने हो गए ये लेफ़्ट वाले बिगड़े हुए, लेकिन राइट वाला अब भी काम कर रहा है, और माइक वगैरह सब काम कर रहे हैं इसमें अभी कंट्रोल्स वगैरह। लेकिन जब से ये बिगड़ा है बायां साइड वाला, लेफ़्ट साइड वाला ईयरबड, तब से मैंने यूज ही से एक ही दो बार किया है, तो राइट साइड वाला बिगड़े कैसे। और ऑफकोर्स इसमें कहीं वायर कनेक्शन छोड़ दिया है। और अगर आप मेरा यूज़ सिनेरियो देखेंगे तो मैं इसे बाहर कभी यूज करता ही नहीं था, ज़्यादातर समय मैं इसे इंडोर्स यूज करता था, करीब 3 घंटे 3.5 घंटे डेली ऑन एवरेज। और अगर आप इसे ट्रैवल में या कोई किसी तरह से आउटडोर यूज करना चाहते हैं, क्योंकि आउटडोर यूज करना रफ होता है, कई बार टग हो जाता है ईयरफोन, मतलब खींच जाता है, तन जाता है, तो उसमें आपको और भी शायद ये और भी कम चले और भी जल्दी बिगड़ जाए। और जो वारंटी होती है ईयरफोन की वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, क्योंकि उसमें फिज़िकल डैमेज वो कवर नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ फिज़िकल डैमेज कवर किए, नहीं लोग तोड़ के लेके पहुँचे रहेंगे। लेकिन जो ईयरफोन्स में ज़्यादातर फेलियर्स होते हैं वो आप फिज़िकल डैमेज से आप उसे जोड़ के देख सकते हैं। जैसे अगर इसमें एक ईयरबड ने काम करना बंद कर दिया, तो इसे कंपनी डायरेक्ट कर सकती है कि इसे ये फिजिकल डैमेज है, तार किसी तरह से खींच गया और उससे ख़राब हो गया है लेफ़्ट ईयरबड, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ वो है। तो मेरा कंक्लूजन इस ईयरफोन के लिए ये है कि अगर आपको चीप सस्ते ईयरफोन्स चाहिए जिसमें बैलेंस साउंड हो और ज़्यादा हेवी बेस ना हो, और इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 10 महीने या 1 साल ही चलेगा, तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जाके ख़रीद भी सकते हैं। और इसमें एक बड़ा ब्रांड नेम भी है इसका, तो वो भी प्लस पॉइंट है एक। लेकिन अगर आप कुछ भी और चाहते हैं तो आप इसे मत खरीदिए। अगर आप बूमिंग बेस चाहते हैं तो इसे बिल्कुल मत खरीदिए। अगर आप एक स्टडी टफ ईयरफोन चाहते हैं जिसे आप आउटडोर या ट्रैवल में यूज कर सके, तो इसे मत खरीदिए। अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला ईयरफोन्स चाहते हैं तो वाले ईयरफोन्स चाहते हैं, आप इसे बिल्कुल मत खरीदिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं इस प्राइस में ये बेस्ट ईयरफोन है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये पॉपुलर है काफ़ी इसलिए क्योंकि JBL ब्रांड नेम इसका काफ़ी मशहूर है, काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हाई रेंज में JBL बनाता है, काफ़ी मशहूर है JBL उस वजह से। और स्नोबॉल इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ब्रांड नेम देख के ख़रीद लेते हैं, बड़ा ब्रांड नेम है, उसके बाद मैंने देखा है लोग बड़े ब्रांड नेम वाले चीज़ों पर रिव्यू भी काफ़ी अच्छा बेवजह के ही देते हैं। मैंने देखा है लोग ख़रीदते हैं, कोई उनके पास पहुंची नहीं कि एक हफ्ते यूज किया ना किया, उसके बाद रिव्यू लोग दे देते हैं रेटिंग्स 5 स्टार, बस इसलिए क्योंकि ब्रांड नेम उसका अच्छा है। तो यही इसके साथ भी हुआ, लोगों ने ब्रांड नेम देख के ख़रीदा, अच्छे रिव्यूज़ दे दिए, फिर बाकी लोगों ने ब्रांड नेम देखा और अच्छे रिव्यूज़ देखे और ख़रीदने लगे। और इसी तरह उन लोगों ने भी किया, अच्छे रिव्यूज़ दे दिए, इसी तरह स्नोबॉल इफेक्ट होता गया। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बैलेंस, जैसे मेरी तरह, मैं बैलेंस्ड आउटपुट, बैलेंस्ड साउंड पसंद करता हूँ, मुझे बूमिंग मतलब एलिवेटेड बेस या ट्रेबल लेवल्स अच्छे नहीं लगते।
तो उन लोगों ने लेजिटिमेटली इसे अच्छी रेटिंग दी। और अगर आप खुद भी इसे मतलब ट्राई आउट करना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ जो आप चेकआउट कर सकते हैं, रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप जो है खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, लाइक बटन प्रेस कीजिए जाके। अगर आपको नहीं पसंद आया डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको डिसलाइक करना ही है तो आप कमेंट में बता दीजिए क्यों आपने डिसलाइक किया इस वीडियो, क्या आपको नहीं पसंद आया। इसके अलावा आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए क्योंकि ये आने वाले वीडियोज़ नहीं तो आपको नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपने आपको और वीडियोस मेरे देखने हैं तो यहाँ पे दो वीडियोस होंगे स्क्रीन पे, आप उन्हें देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।